नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार, चंद्रा आई टी आई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फिटर टेट थ्योरी के बेयरिंग चैप्टर से, जिसमें हमारे सामने कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला आपका प्रश्न है, निम्न में कौन सी बेयरिंग धातु नहीं है, धातु है? तो पीतल, गन मेटल, कांसा, ये सभी। तो जो बेयरिंग का मटेरियल रहता है वो आपका पीतल भी होता है, गन मेटल भी होता है और कांसा भी रहता है। तो ऑप्शन जो आपका है वो डी ऑप्शन सही है, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग है, तो ये किसकी बात कर रहा है? एंटी फ्रिक्शनल की बात कर रहा है। तो देखिए, अगर बेयरिंग के टाइप्स ऑफ में बात की जाए तो वहाँ पर दो प्रकार की होती हैं, एक होती है फ्रिक्शनल और एक होती है एंटी फ्रिक्शनल। ठीक है, तो घर्षण युक्त और घर्षण रोधी, तो इसी के अकॉर्डिंग है। तो इसमें आपका पूछ रहा है एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग है, तो एंटी फ्रिक्शनल बेयरिंग देखिए, थ्रस्ट बेयरिंग, थ्रस्ट वाल बेयरिंग दिया है, सिंगल रोल बार बेयरिंग, टेपर रोलर बेयरिंग, नेडिल रोलर बेयरिंग। तो आप क्वेश्चन आपका ये सही है, थ्रस्ट वाल बेयरिंग जो है आपका एंटी फ्रिक्शनल में आता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा बेयरिंग में प्रयुक्त सिंथेटिक पदार्थ नहीं है? तो सिंथेटिक पदार्थ की बात कर रहा है, तो देखिए आपका है टेफ्लॉन भी दिया है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, एलॉय स्टील। तो जो सिंथेटिक पदार्थ नहीं है, तो जो सिंथेटिक पदार्थ देखिए, जो एलॉय स्टील है उसमें आपका सिंथेटिक पदार्थ नहीं होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही है, एलॉय स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेयरिंग फिटिंग की श्रृंखेज विधि में हाउसिंग को कितने ताप पर गर्म किया जाता है? तो देखिए, हाउसिंग की बात की जाए तो हाउसिंग में क्या होता है कि जो हमारी बेयरिंग जिसमें लगाई जाती है, जिसमें फिट की जाती है, तो वो आपकी उसकी हाउसिंग कहलाती है। तो उसी का टेम्परेचर की बात वो कर रहा है, तो श्रृंखेज विधि में पूछ रहा है। तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शन निकल करके आ रहा है, तो वो 100 से 140 डिग्री टेम्परेचर पर उसका तापमान पर गर्म किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉल बेयरिंग का प्रयोग के लिए किया जाता है। पूछ रहा है बॉल बेयरिंग का प्रयोग किस चीज़ के लिए, मतलब कैसा लोड होना चाहिए, कैसी स्पीड होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका कह रहा है अधिक गति बा कम लोड, अधिक लोड तथा कम गति, अधिक गति बा अधिक लोड, कम गति तथा कम लोड। तो यहाँ पे देखिए, बॉल बेयरिंग क्या होता है, बॉल बेयरिंग अधिक स्पीड और कम लोड के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये ऑप्शन उसका जो है आपका वो सही है, अधिक गति और कम लोड। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर है फुट स्टेप बेयरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फुट स्टेप बेयरिंग के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आपके ऑप्शन हैं बॉल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, पीवट बेयरिंग और पेडेस्टल बेयरिंग। तो जो उसका ऑप्शन है वो आपका है पीवट बेयरिंग, फुट स्टेप बेयरिंग को पीवट बेयरिंग के ही दूसरे नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित बेयरिंग की पहचान कीजिए। तो देखिए, आपको यहाँ पे बेयरिंग की पहचान करना है कि ये हमारी जो बेयरिंग है वो किस टाइप की है। तो पहला है जनरल बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, ठोस बेयरिंग और बुश बेयरिंग। तो जो ऑप्शन है आपका वो है जनरल बेयरिंग को इसने शो किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस बेयरिंग का निर्माण बहुत भारी रेडियल लोड के लिए किया जाता है? तो थ्रस्ट बेयरिंग नहीं किया जाता है, नेडिल बेयरिंग का भी हैवी रेडियल लोड के लिए नहीं किया जाता है। फिर कह रहा है सेल्फ अलाइंग बॉल बेयरिंग, तो सेल्फ अलाइंग बार बेयरिंग जो होती है वो आपका भारी रेडियल लोड के लिए यूज की जाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। कि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रोलर बेयरिंग में कम होने के कारण घर्षण कम होता है, मतलब क्या चीज़ ऐसा है कि जो कह रहा है रोलिंग बेयरिंग में कम होने के कारण घर्षण कम होता है? तो कह रहा है कि संपर्क क्षेत्र, लुब्रिकेंट, इनर रेस, भार। तो जो उसका संपर्क क्षेत्र होता है वो आपका जिसके कारण घर्षण कम होता है, तो वो आपका ए ऑप्शन सही है, संपर्क क्षेत्र।
तो जिसके कारण लोड कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग बेयरिंग क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। बेयरिंग क्लियरेंस चेक अगर करना होता है तो कह रहा है बर्नियर कैलिपर्स, फिलर गेज, बोर गेज, इनसाइड माइक्रोमीटर। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी सही है। फिलर गेज से जो उसका किन्हीं दो मैचिंग पार्ट्सों के बीच के गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बेयरिंग को बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। तो बेयरिंग को ऐसी कौन सी युक्ति है जिसको बाहर निकाला जाता है। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है पुलर, पंच, डिफ्ट, ये सभी। तो देखिए पंच से भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि डेंट वगैरह उसमें स्क्रैच आ जाएगा, डिफ्ट का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है जो कि पुलर को लगा करके उसको आसानी से बाहर निकाल लिया जाता है किसी शाफ्ट से। तो एक ऑप्शन आपका सही है पुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल बेयरिंग का स्थिर भाग होता है। तो बॉल बेयरिंग का स्थिर भाग कह रहा है इनर रेस, आउटर रेस, केज, इनमें से कोई नहीं। तो जो आउटर रेस होता है वो आपका स्थायी भाग होता है बॉल बेयरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि से निर्मित बेयरिंग उच्च तापमान तथा हल्के लोड पर प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब किस चीज़ के हैं जो कि उसको हल्के लोड पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो कह रहा है पहला है नायलॉन, लेमिनेटेड, फिनोलिक्स, फिर है टेफ्लॉन, ये सभी। तो सी ऑप्शन आपका सही है कि टेफ्लॉन जो है आपका निर्मित बेयरिंग उच्च तापमान तथा हल्के लोड पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े व्यास की शाफ्ट के लिए प्रयुक्त बेयरिंग हैं। तो बड़े वाह जब हमको लंबा कई पावर ट्रांसमिशन में इधर उधर अलग अलग लोड दिया जाता है तो उसके लिए ये बात कर रहा है। कह रहा है कि उसमें कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है। तो उसके लिए कह रहा है बुश बेयरिंग, पेडेस्टल बेयरिंग, सैल बेयरिंग और प्लेन बेयरिंग। तो सी ऑप्शन आपका सही है। सैल बेयरिंग जो होते हैं वो लंबी पावर ट्रांसमिट जहाँ पे की जाती है तो वहाँ पे बड़े ब्याज की शाफ्ट के लिए बेयरिंग सैल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट है किसी मशीन के घूमने वाले भागों को सहारा देने वाली युक्ति को कहते हैं। तो सहारा देने वाली की जायज बात है कि बेयरिंग जो कि सपोर्ट प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठोस तथा स्प्लिट बेयरिंग है। ठोस तथा स्प्लिट बेयरिंग है तो रोलिंग बेयरिंग, घर्षण युक्त बेयरिंग, बाल बेयरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है घर्षण युक्त बेयरिंग जो है बी ऑप्शन आपका सही है जो कि ठोस और स्प्लिट बेयरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। क्योंकि देखिए रोलिंग बेयरिंग, बाल बेयरिंग ये आपके जो है एंटी फ्रिक्शनल में आते हैं और जो घर्षण युक्त बेयरिंग में है वो फ्रिक्शनल में है आपके ठोस और स्प्लिट आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है रेडियल बेयरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रेडियल बेयरिंग का दूसरा नाम क्या है। तो रेडियल बेयरिंग का दूसरा नाम आपका पता होना चाहिए, वो जनरल बेयरिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपका को घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए किस चीज़ को प्रयुक्त किया जाता है। तो वो आपका है थ्रस्ट बेयरिंग, पिवट बेयरिंग, जनरल बेयरिंग और बॉल बेयरिंग। तो जनरल बेयरिंग को घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें ये भी होता है कि कोई भी उसकी बॉडी वगैरह पार्ट्स खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है थ्रस्ट बेयरिंग का अन्य नाम है। थ्रस्ट बेयरिंग का दूसरा नाम क्या है। तो उसको कहते हैं पाद बेयरिंग, फिर है बाल बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो थ्रस्ट बेयरिंग का दूसरा नाम है, कॉलर बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चपटे बेयरिंग को कहा जाता है गाइड बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग, गोलकार, गोलाकार बेयरिंग, ये सभी। तो आपका गाइड बेयरिंग, चपटे बेयरिंग जो होते हैं वो उनको गाइड बेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी बेयरिंग लोडिंग बेयरिंग के अक्ष के समांतर होता है। ऐसी बेयरिंग का नाम बताएं जो लोडिंग के अक्ष के समांतर रहता है। तो पहला है आपका थ्रस्ट बेयरिंग, बुश बेयरिंग, ठोस बेयरिंग और स्प्लिट बेयरिंग। तो आपका थ्रस्ट बेयरिंग जो होती है वो अक्ष के समांतर कार्य करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घर्षण बेयरिंग किस धातु से निर्मित होते हैं। तो घर्षण बेयरिंग के बारे में पूछ रहा है। देखिए घर्षण बेयरिंग श्वेत मेटल रहता है,
बैबिट मेटल भी रहता है, ब्रोंज के भी बने होते हैं और आपके जो है ये सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है कि ये सभी। फिर कह रहा है घर्षण के आधार पर बेरिंग हैं, तो घर्षण के आधार पर कौन कौन से बेरिंग हैं? स्प्लिट बेरिंग, रेडियल बेरिंग, स्लीपर या संपर्क बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो स्प्लिट बेरिंग जो होते हैं वो घर्षण के आधार पर आते हैं, तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है बुश बेरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है, बुश बेरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है पहला है ऑप्शन शाफ्ट तथा बॉडी की सापेक्ष गति को रोकने के लिए, बॉडी तथा शाफ्ट के बीच अवकाश बढ़ाने के लिए, शाफ्ट तथा बॉडी को घिसने से बचाने के लिए। तो देखिए बुश बेरिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि खुद ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन बॉडी और शाफ्ट को आसानी से बचा लेते हैं। जब भी कुछ लगातार चलते रहते हैं उनको बुश को निकाल करके बदल दिया जाता है, उसमें जो है कि हमारे शाफ्ट और बॉडी खराब नहीं होती है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही है, शाफ्ट तथा बॉडी को घिसने से बचाने के लिए। नेक्स्ट है बे बेरिंग जिनमें चलते हुए भाग के तल पर रगड़ने के लिए बुश दूसरा तल प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें देख लीजिए फुट बेरिंग, रोलर बेरिंग, बुश बेरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो बुश बेरिंग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुश बेरिंगों का प्रयोग प्रायः किया जाता है, तो बुश बेरिंगों का प्रयोग मतलब कैसे स्थान पर कहाँ उनका यूज किया जाता है उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो ऊर्ध्वाधर शाफ्टों के सिरों को सहारा प्रदान करने के लिए, चीनी मिलों के कोल्हू में, प्रसिद्ध एवं अधिक भार वाली यंत्रावली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऊर्ध्वाधर शाफ्टों के सिरों को सहारा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन बुश बेयरिंग हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए या किसके द्वारा फिट किया जाता है? तो इसमें देखिए सोल्डिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, की तथा स्क्रू हो गया। तो जो आपका की और इसमें फिट किया जाता है, तो उसमें की और स्क्रू लगा करके भी टाइट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बेरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है पहला बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग और थ्रस्ट बेरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो एंटी फ्रिक्शनल की बात कर रहा है, तो देखिए बॉल बेरिंग है, रोलर बेरिंग है, तो जो ऑप्शन आपका वो है बी, रोलर बेरिंग जो है भार को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अधिक स्पीड के लिए कौन सा बेरिंग प्रयुक्त है? तो अधिक स्पीड के लिए अभी इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है घर्षण रोधी, रोलर और नेडिल, ये सभी। तो जो घर्षण रोधी होते हैं एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग, वो अधिक स्पीड के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि हमारे रोलर्स हो गए और आपका बॉल बेरिंग हो गए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है, घर्षण रोधी एंटी फ्रिक्शनल बेरिंग जो है वो आपकी प्रयोग किया जाता है। फिर कह रहा है घर्षण रोधी बेरिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण रोधी बेरिंग का चुनाव को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो पहला है बेरिंग के पदार्थ, बल की दिशा, घर्षण गुणांक और फिर है उपरोक्त में से सभी। तो जो आपकी बैरिंग की दिशा होती है वो आपकी उस पर घर्षण रोधी बैरिंग के चुनाव पर डिपेंड करती है, तो बल की दिशा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस बैरिंग में स्नेह की आवश्यकता कम होती है? तो स्नेह की आवश्यकता जो है अब आपका घर्षण रोधी बैरिंग हो गया, घर्षण युक्त बैरिंग हो गया, गोलाकार बैरिंग हो गए, सभी। तो घर्षण रोधी बैरिंग में होती है, उसमें आपकी स्नेह की कम आवश्यकता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी घर्षण बेरिंग नहीं है? तो घर्षण बेरिंग कौन सी नहीं है? ठोस बेरिंग, बुश बेरिंग, बाल बेरिंग और सैल बेरिंग। तो जो आपकी बाल बेरिंग है वो घर्षण बेरिंग नहीं है, बाकी शेष घर्षण युक्त बेरिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनों में शाफ्टों तथा धुरों आदि के तिरछे भारों को सहारा देने के लिए निम्न में से किस बेरिंग का प्रयोग किया जाता है?
तो वो आपका है सेल बेयरिंग, बुश बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और बाल बेयरिंग। तो जो आपका ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही है, बाल बेयरिंग जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल बेयरिंग लगाते समय शाफ्ट के साथ आंतरिक चक्री में किस फिट के प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है आपका प्रिसीजन स्लाइड, बड़ा क्लियरेंस, ढीला रनिंग और इंटरफेरेंस। तो जो आपका ऑप्शन वो है डी ऑप्शन सही है, इंटरफेरेंस जो होता है वो आपका चक्री में फिट के लिए प्रयोग किया जाता है। रोलिंग अवैब बेयरिंग को भी कहते हैं, तो रोलिंग अवैब बेयरिंगों को जो है आपका वो साइल बेयरिंग, घर्षण बेयरिंग और घर्षण रोधी बेयरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन आपका सही है, जो घर्षण रोधी बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शाफ्ट का वह भाग कौन सा है जो बेयरिंग के अंदर रहता है? तो बाल व रोलर, बुश ए व बी दोनों। तो देखिए बाल और रोलर इनर और आउटर रेस के बीच में दोनों रहते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, रोलर बेयरिंग में रोलर का चक्री के साथ कौन सा संपर्क होता है? तो देखिए उसमें रोलर बेयरिंग का रोलर के साथ इनर रेस की अंदर बात कर रहा है वो, तो कह रहा है रेखीय, अरेखीय, लंबवत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेखीय जो होता है वो आपका रोलर बेयरिंग में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिशुद्ध तथा अधिक भार वाली यंत्रावली में कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है? तो बुश बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, प्लम्बर बेयरिंग और इनमें से कोई नहीं। तो रोलर बेयरिंग जो होती है वो आपकी अधिक भार के लिए प्रयोग की जाती है, तो वो आपका ऑप्शन निकल के आएगा बी, रोलर बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को देखकर इसके रोलिंग अवयव का नाम बताएं। चित्र को देखना है आपको और उसको बताना है कि ये क्या शो कर रहा है। तो देखिए बाल है, बैरल हो गया और निडिल हो गया और आपका इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये पूरी चीज़ को इसके बारे में वो बात कर रहा है, तो जो आपका है वो है आपका बैरल, जिसमें पूरे जो रोलर्स लगे हुए हैं, तो इनको बोलते हैं बैरल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से प्रदर्शित बेयरिंग के एक्स, वाई, जेड भागों को पहचानिए। ठीक है, तीनों चीज़ों को ये शो कर रहा है कि मतलब क्या क्या हैं वो। तो अब हम देख लेते हैं, तो देखिए एक्स क्या है, एक्स ये वाला जो भाग होता है वो आपका इनर रेस कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स हो गया आपका इनर हो गया, वाई क्या हो गया ये आउटर रेस हो गया, और जेड क्या हो गया जो जिसमें बाल्स फिट रहते हैं या रोलर्स रहते हैं उनको बोलते हैं केज, तो वो हो गया आपका वाल केज इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही होगा वो आपका ये ऑप्शन सही होगा कि हमारा एक्स जो है वो इनर रेस है, आउटर बाई या आउटर रेस है और जेड जो है आपका वो बाल केज है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है बेयरिंग में प्रत्येक रोलिंग एलिमेंट एंड एलिमेंट से द्वारा ही पृथक रहता है, केज, रेसेस, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो केज जो है वो आपका रोलिंग एलिमेंट अन्य एलिमेंट से अलग ही पृथक ही रहता है, क्योंकि उसमें जो केज आपका रहता है उसी में बाल्स है, रोलर्स है, वो अलग अलग सभी का होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियल भार को ले जाने के लिए अभिष्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो रेडियल लोड की बात कर रहा है, तो बाल बेयरिंग, थ्रस्ट बाल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग और टेपर्ड रोलर बेयरिंग। तो जो सी ऑप्शन आपका है वो आपका सही होगा, रोलर बेयरिंग का उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट, नीडिल रोलर बेयरिंग में रोलरों की लंबाई के ब्यास से मतलब कितने गुना रखी जाती है? तो वो है 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। तो 5 से 10 जो है वो गुना लंबाई में ज़्यादा रखी जाती है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन सा बेरिंग घूमने वाले भागों को सीधी रेखा में चलने में सहारा देता है। तो यह है आपका गाइड बेरिंग, घर्षण बेरिंग, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो जो आपकी गाइड बेरिंग होती है वो सीधी रेखा में चलने के लिए सहारा सपोर्ट करती है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, गाइड बेरिंग। नेक्स्ट है पिकलिंग का प्रयोग किया जाता है। पिकलिंग का प्रयोग बेरिंग की सतह को खुरदरी बनाने के लिए, बेरिंग की सतह से ग्रीस हटाने के लिए, बेरिंग से पिघली धातु डालने के लिए और उपरोक्त में सभी। तो देखिए उसमें जो आपकी होती है वो बेरिंग की सतह को खुरदरी, पिकलिंग जो होती है वो उसके बहुत सारे बौछार करा के उसमें मतलब खुरदरी सतह बना दी जाती है, तो वो आपकी पिकलिंग कहलाती है। तो इसमें है जो है आपकी बेरिंग की सतह को खुरदरी बनाने के लिए पिकलिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए एडजस्टेबल स्लाइड बेरिंग एक्स द्वारा प्रदर्शित है। तो इसको देखिए एक्स द्वारा क्या उन्होंने प्रदर्शित किया है, तो वह है बेरिंग बुश है और आपका स्लॉटेड रिंग नट है, बॉल केज है और इनमें से कोई नहीं है। तो वो ऑप्शन आपका जो है वो बी स्लॉटेड। देखिए ये इन्होंने अलग से भी शो किया है, ये चीज़ देखिए ये शो किया है, यहाँ पे जो है आपकी स्लॉटेड रिंग नट को इन्होंने शो किया है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्लॉटेड रिंग नट। नेक्स्ट है चित्र में प्रदर्शित बेरिंग का नाम बताएं। अब आपको इसमें बेरिंग का नाम बताना है, बॉल बेरिंग है या स्प्लिट बेरिंग है, रोलिंग बेरिंग है, इनमें से कोई नहीं। देखिए बॉल बेरिंग है नहीं और रोलर बेरिंग्स भी नहीं है, तो स्प्लिट बेरिंग को ही उसने शो किया है, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्प्लिट बेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे चित्र में बेरिंग के प्रकार को दर्शाया गया है, टेपर्ड रोलर बेरिंग को पहचानिए। तो टेपर्ड रोलिंग रोलर बेरिंग्स में आप देख लीजिए, यहाँ पे भी कोई टेपर नहीं है, तो जो बी ऑप्शन है वो आपका वो टेपर्ड, ये देखिए रोलर्स को उसने टेपर्ड में शो किया है, तो बी ऑप्शन सही निकल करके आएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस धातु का प्रयोग सैल बेरिंग की अलाइंग हेतु किया जाता है। तो वो है ब्रोंज, पीतल, गन मेटल और बेबिट मेटल। तो जो आपका डी ऑप्शन सही है, बेबिट मेटल जो है वो आपका सैल बेरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है साधारण कारणों में प्रयुक्त बेरिंगों के निर्माण के लिए आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली सामग्री का नाम बताएं। फास्फोरस ब्रोंज है, ब्रास है, अल्मोनियम है, तांबा है। तो फास्फोरस जो ब्रोंज का प्रयोग किया जाता है वो आपका बेरिंग के लिए, साधारण बेरिंगों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका सही है। तो आज के इस बेरिंग में यही बस इतने ही क्वेश्चन, और नेक्स्ट में मिलते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक और शेयर करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।